चुनाव तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि मैंने हमेशा से ही बताया कि लोकतंत्र का हिस्सा हम बनना चाहते हैं, विधायिका का हिस्सा बनना भी उसका एक पार्ट है, तो हम चुनाव तो लड़ेंगे निश्चित तौर पे। मैं नामांकन पत्र भरूंगी। मैंने पहले ही बहुत विस्तार से बताया कि मैंने जिस समय इस्तीफा दिया था उस समय मैंने कारण लिख के दिए थे कि मुझे मेरे मकान के उद्घाटन में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और जब मैंने पता किया इन 2-3 महीनों में, तो मुझे मालूम चला कि ये सब राजनीतिक कारणों से हो रहा है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि इस देश में अच्छी व्यवस्था बनी रहे, और व्यवस्थाएं बनती है अधिकारियों से और हमारे जनप्रतिनिधियों से। अधिकारी रह के मैंने देख लिया, राजनीतिक मंशा अगर अच्छी हो तो अधिकारी भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया कि अब मैं विधायिका में जाऊँगी, और जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि किसी और के साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो ये सब ग्रेजुअली हुआ है, और आज हम जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं जहाँ पर मकान का उद्घाटन था वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना होने जा रही थी, और चूंकि मैं उस क्षेत्र में पिछले 5 साल से हूँ, मेरी पोस्टिंग वहाँ 2018 से 2021 के बीच में रही है, लोगों के बीच नहीं आमला आमला रही हूँ, जनता का स्नेह और प्यार मेरे साथ रहा है, तो लोगों ने ही मुझे एक ऑप्शन के तौर पर उस समय भी देखा था जब मैं वहाँ पर पदस्थ थी। इसीलिए मेरा ट्रांसफर फिर जगह जगह बार बार हो रहा था, क्योंकि वहाँ के जो माननीय थे उनको परेशानी हो रही थी। तो यही कारण रहा था, लोगों ने तो उसी समय से एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे चाहा था, लेकिन मैं उस निर्णय तक नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है इस तरह का। मैं सीख कर ही आगे बढ़ रही हूँ, पढ़ लिख कर के अधिकारी बने। अधिकारी रहते हुए मैंने देखा कि जिस स्वतंत्रता के साथ मैं काम करना चाह रही हूँ मुझे वो नहीं मिल पा रही है, और फिर हद तो तब हो गई जब मुझे मेरे घर के उद्घाटन में अनुमति नहीं दी गई, तो तभी मैंने अपना इस्तीफा दिया, और ग्रेजुअली फिर हम यहाँ बढ़े। मैं किसी राजनीतिक दल से कभी जुड़ी नहीं रही। जो मेरे मकान का उद्घाटन था जिसमें सर्वधर्म प्रार्थना थी, कोई एंटी नेशनल काम नहीं था, वो एक सर्वधर्म प्रार्थना थी जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु आए भी थे, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों अंतिम व्यक्ति तक के पहुँचूँ, छोर के अंतिम व्यक्ति तक के, और उसके लिए मैंने अपनी नौकरी में भी वो कार्य किया, और मैं हमेशा करना चाहती थी, क्योंकि आमला में मेरी पहली पोस्टिंग थी, मेरा वहाँ लोगों से जुड़ाव था। इसीलिए मैं चाहती थी कि एक घर सबको बनाना होता है, मैं अपना घर वहाँ बनाऊँ, लोगों से हमेशा जुड़ी रहूँ, ताकि मैं अपने रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर अपने जो मेरे कार्य हैं, जो मैं करना चाहती हूँ समाज के प्रति, देश के प्रति, वो मैं कर सकूँ। तो मेरी प्लानिंग तो रिटायरमेंट के बाद की थी, लेकिन ये परिस्थितियाँ अभी बन जाएंगी मुझे नहीं मालूम था। जब मैं ये संघर्ष कर रही थी तब कांग्रेस ने मुझे साथ देने की बात करी, जब मेरी गिरफ्तारी हुई तब भी कांग्रेस के नेता मेरे साथ थे, और उन्होंने फिर मुझे आश्वासन दिया था कि हम अंतिम के 2 दिन तक इंतज़ार करेंगे आपके इस्तीफे का। तो आज मैं कमलनाथ जी से मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहूँगी कि आपकी तरफ से ये मैसेज था मेरे पास में, तो अब आप बताइए आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि मेरा इस्तीफा हो चुका है, आज मैं स्वतंत्र हूँ आप जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, तो मैं तो अपनी लड़ाई जारी रखूँगी, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। अगर कांग्रेस अगर टिकट नहीं देती तब आप क्या कहेंगे? हम तो जनता के लिए काम करेंगे, अगर जनता कहेगी कि निर्दलीय लड़िए या इस पार्टी से लड़िए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, जैसा जनता कहेगी, जो जनता का आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगी। तो चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ूंगी मैं। आपको लगता है कि कौन सी पार्टी और क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे तो देखिए बहुत सारे हैं वहाँ, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे आम जनता आज भी संघर्ष करती है, तो वो उन मुद्दों के साथ तो मैं रहूँगी, जो भी उनके जीवन में समस्याएं हैं उनके लिए मैं हमेशा साथ खड़ी रहूँगी और लड़ती रहूँगी वहाँ के विकास के लिए और उनके लिए।